हेलो एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाय लगदाता इवेंट्स। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं एमए स्टेडियम से। जी हां, एमए स्टेडियम में आए कुछ लोगों की हम कॉमन सेंस आज चेक करने वाले हैं। कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल पूछने वाले हैं, पर आपको ये भी बता दें कि एमए स्टेडियम में 27 दिसंबर को एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें बोहिमिया गिपी ग्रेवाल जैसे काफी बड़े स्टार्स आने वाले हैं, तो उसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और हमारा प्रोग्राम आप देखिए कि किस तरह से हम एमए स्टेडियम में आए लोगों की कॉमन सेंस को चेक करते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको दिखाएंगे जिससे आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी। तो देखिए हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसमें हमने आपको बताया कि ह्यूमन सलाइवा का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से 3 गुना ज्यादा होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर पसंद आया होगा और आपको नॉलेज इस फैक्ट से जरूर मिली होगी। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। आज के प्रोग्राम में जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि अगर एक बस वाला रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है और रास्ते में 10 जगह बना के आते हैं पर कोई उसको रोकता नहीं है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? ये वजह जानने के लिए हम लोगों से पूछेंगे, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, लोगों से पूछेंगे, देखते हैं कितने लोग इस सवाल में अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम एमए स्टेडियम में लोगों की कॉमन सेंस को चेक कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, अपना नाम बता दें आप। अश्विनी शर्मा। कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल। किसने बताया, पीछे क्यों भाग रहे हो? मुझे खुद पता है, कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। कॉन्फिडेंस है मतलब कि मेरे में कॉमन सेंस है? बिल्कुल। सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। जी पूछिए। अच्छा बताइए, एक बस वाला रॉन्ग साइड पे जा रहा है, ठीक है, रॉन्ग साइड से जा रहा है, वन वे रोड है, उसमें रॉन्ग साइड पे जा रहा है, 10 जगह पे ना के आते हैं, उसको रोकता नहीं है कोई, क्यों नहीं रोकता? एक मिनट, क्योंकि वो सबको तोड़ के एकदम निकल जाता है। क्या तोड़ के निकलता है? नाके तोड़ के निकल जाता है आगे। सर नाम बता दे अपना। जीपी सिंह। सर कॉमन सेंस आज के जमाने में कितनी कॉमन है? कॉमन सेंस के बारे में क्या बोल सकते हो यार, मतलब लोगों के पास होती है, लोग इस्तेमाल नहीं करते। हाँ ये भी है। आप इस्तेमाल करते हो कॉमन सेंस? जहाँ जरूरत होती है वहाँ करता हूँ भाई। जरूरत कहाँ कहाँ पे होती है सर, ये बता दो। देखो जरूरत कहीं भी पड़ सकती है भाई, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है। कई बंदे करते हैं तो निकल जाते हैं कहीं से, कहीं नहीं करते तो नहीं निकल पाते। अच्छा, निकल जाते हैं जो करते हैं यूज़ कॉमन सेंस। चलो आपने भी निकलना है सर, आपसे सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। बताइए, पूछिए। सर बताओ, एक बस वाला रॉन्ग साइड पर जा रहा है, वन वे रोड है, उसमें रॉन्ग साइड पर जा रहा है, 10 जगह पे रास्ते में नाके आते हैं, पर नाके वाले उसको रोकते नहीं है, क्यों नहीं रोकते? नाके वालों ने महीना लगाया होगा। मैम कॉमन सेंस है आप में? नहीं है मेरे में कॉमन सेंस, ऑब्वियसली तभी तो यहाँ पे आंसर दे रही हूँ। आंसर क्या दिया अभी आपने? मीन आप क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर दूंगी। तो आपको कैसे पता मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा? मुझे पता है, देखना अभी आप क्वेश्चन ही पूछोगे। कैसे पता, कैसे चला? चैलेंज कर लो। हाँ चैलेंज कर लो। पता है आपका शो देखते हैं हम टीवी पे, आपका शो देखते हैं हम टीवी पे, पता है। अच्छा एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कॉमन सेंस वाला। अच्छा बताइए, एक बस वाला रॉन्ग साइड पे जा रहा है, ठीक है, वन वे रोड है, उसमें रॉन्ग साइड पे जा रहा है, 10 जगह पे नाके आते हैं, उसको रोकता नहीं है कोई, क्यों नहीं रोकता? हाँ जहाँ नाका लगे वहाँ से जा ही नहीं रहा, वहीं से जा रहा है, वहीं से जा रहा है, सारे देख भी रहे हैं उसको नाके वाले, पर कोई रोक नहीं रहा उसको। नहीं मुझे नहीं पता। नाम बता दे मैम अपना। मेरा नाम यशी शर्मा है। अच्छा लड़कियों में ज्यादा कॉमन सेंस होती है लड़कों में? एक्चुअली कॉमन सेंस लड़कों में, बिकॉज लड़कियों को तो आई थिंक सो लड़कों में, बिकॉज जो लड़की है उनका इतना मतलब कि मोस्टली लड़के, नॉट मी, जो लड़कियाँ होती है वगैरह। समझ नहीं आ रही मेरे को आपकी बात, क्या बोलना चाहते हो आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या बोलूँ भैया, ली मैंने कहना। रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो। सवाल पूछूंगा एक कॉमन सेंस वाला। हाँ हाँ बोलो। सवाल हमारा ये है कि एक बस वाला रॉन्ग साइड पे जा रहा है, रास्ते में 10 जगह पे नाके आते पर कोई उसको रोक नहीं रहा, क्यों नहीं रोक रहा? वो क्या कर रहे हैं? रॉन्ग साइड से जा रहा है बस वाला। हाँ। उस रास्ते में 10 जगह नाके आते हैं, क्यों नहीं रोक रहा?
दस नाके वाले से रोक रहे हैं पर वो रोक नहीं रहा, रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहे नाके वाले उसको। बता, रॉन्ग साइड। वो रॉन्ग साइड से जा रहा है, रॉन्ग साइड में रोकते नहीं है नाके वाले। नहीं, हाँ रोकते रोकते हैं। फिर क्यों नहीं रोक रहे उसको? क्योंकि उसका लाइसेंस वगैरह सब कुछ होगा। लाइसेंस में रॉन्ग साइड में थोड़ा ना जा सकता, पैदल जा रहा होगा क्योंकि रोड ही वन साइडेड है। वन वे है ना, उसमें रॉन्ग साइड पे जा रहा है वो। तो वन वे पे तो दोनों साइड से गाड़ी चलती है ना। वन वे पे वन साइड चलती है सर। वन वे पे वन साइड कैसे चलेगी? दोनों साइड से गाड़ी आ सकती है। नहीं आ सकती सर। आ सकती है सर, क्योंकि वो वन वे रोड है। वन वे में रॉन्ग साइड पे जा रहा ना वो। तो वन वे में कोई रॉन्ग साइड नहीं होता भैया, रॉन्ग साइड होता है भाई। उसे कोई रोक नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा है ये बताना। अब भैया बस दो मिनट मिले हैं मुझे अभी। 10 मिनट लो, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। उसको कोई रोक नहीं रहा, 10 सेकंड भी ना के लगे, क्यों नहीं रोक रहा? जा रहा है, नहीं पता भैया। महीने पे पुलिस वाले लेते होंगे, उसे कुछ ना कुछ नाका लगाया आखिर। पर सर 10 जगह पे नाके लगे, 10 के 10 नहीं रोक रहे। क्या पता है, महीना लगा होता है तभी तो नहीं रोकते। अगर महीना लगा, आप जम्मू में देख लो, जानीपुर रोड पे देख लो आप, यहाँ पे कितने नाके हैं। मेटाडोर वाले जहाँ जाते हैं वहाँ ब्रेक लगा लेते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। क्यों नहीं पूछता? आपके साथ है ना, आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि महीना लगाया होगा बस वाले ने, कुछ भी किया होगा तभी तो नहीं रोकते। ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, पीछे हॉर्न बजाते हैं, कार वाले क्यों नहीं रोकता कोई? भाई कोई वजह तो है ना, सभी जानते हैं, यही तो कॉमन सेंस है। आपके कॉमन सेंस के हिसाब से महीना लगा? हाँ कुछ ना कुछ तो है, तभी तो नहीं रोक लगे। चलिए इनके हिसाब से महीना लगा होगा तभी नहीं रोक रहे होंगे नाके वाले। बात करते कुछ और लोगों से। नाम बता दे सर अपना। सर आशीष मगोत्रा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर यहाँ पे कोचिंग ले रहा हूँ, ले रहा हूँ बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल की कोचिंग ले रहे हो? बास्केटबॉल खेलने वालों में कॉमन सेंस होती है? जी आप में है जी। किसने बताया आपको? सर ऐसा हर एक इंसान बोलता है जिसे हम बात करते हैं। अच्छा, जिससे भी आप बात करते हो कॉमन सेंस बोलता है कि आप में है? जी। चलो कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आपसे। पूछिए सर। बताइए, एक बस वाला रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, वन वे रोड है, उसमें रॉन्ग साइड जा रहा है वो। रास्ते में 10 जगह पे नाके आते हैं पर कोई नाके वाला उसको रोकता नहीं है, क्यों नहीं रोकता? सर वन वे रोड पे तो सर राइट रॉन्ग साइड ही नहीं होती कोई। ये कौन सी कॉमन सेंस है सर? वन वे रोड में एक साइड गाड़ियां चलती है ना। जी सर। तो वो उल्टी साइड जा रहा है। जी सर। तो उसको कोई रोक नहीं रहा पर कहीं, क्यों नहीं रोक रहा? पता नहीं फिर सर, नाके वालों को पूछो। मेरे हिसाब से तो रॉन्ग साइड जा रही है तो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि सामने से गाड़ियां आ रही हैं। वही बोल रहा हूं ना, मतलब जा रही है वो। जा कैसे रही है? वो जा रही है सर। भैया ये रॉन्ग, ये रोड है ठीक है, उधर से गाड़ी आ रही थी, जा कैसे रही है तो पता नहीं चला। एक्सीडेंट का खतरा है पर जा तो रही है ना। तो एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट नहीं हुआ, 10 नाके उसने क्रॉस कर दिए पर कोई रोका नहीं है उसको। पता नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस वाला सवाल है। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस नहीं है, बस है। पुलिस वाले पैसे लेते होंगे उससे। पैसे लेते होंगे? उसके अलावा कोई और वजह नहीं होती? नहीं, कोई और वजह नहीं होती। अगर पैसे नहीं लेते हो तब भी नहीं रोक रहे? फिर भी फिर वो पुलिस वाले फिर ऐसे मस्त होंगे। मस्त नहीं है, सारे सतर्क बैठे हुए हैं पर कोई रोक नहीं रहा, क्यों नहीं रोक रहा? रोकेंगे क्यों नहीं रोकेंगे उसको? नहीं रोक रहा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों नहीं रोक रहा? फिर उस बस वाले की बड़ी ऊपर तक पहुँच होगी, अप्रोच होगी, तभी नहीं रोक रहा। क्या सीएम बस चला रहा होगा? सीएम नहीं चला रहा होगा, उसका कोई चाचा चुचा कुछ होगा बड़ा। चलिए इनके हिसाब से कोई पहुंच होगी ऊपर तक या फिर उसने पैसे खिलाए होंगे तब भी उसको नहीं रोक रहे। बात करते हैं कुछ और लोगों से। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कॉमन सेंस लगाओ। अभी तो आपको कॉन्फिडेंट था, आपको कॉन्फिडेंस था अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा। बताओ फिर, सोचो भाई, हमने आगे भी जाना है। नाके नहीं तोड़ता, फिर धीरे जा रहा है, बिल्कुल आराम से जा रहा है, मस्ती में अपनी, क्योंकि वही होता ही नहीं कोई नाके भी पकड़ने वाला उसको। फिर है लोग, है लोग हैं सारे। आप एक बार बार क्वेश्चन चेंज कर रहे हो। सेम क्वेश्चन है भाई, 10 जगह में नाके लगे हैं, लोग भी हैं वहाँ पे नाके वाले। नाके वाले भी हैं, नाके वाले भी हैं, वो पकड़ नहीं रहे उसको, क्यों नहीं पकड़ रहे? बड़ा बंदा होगा कोई। बड़ा बंदा मतलब? जैसे कि कोई ऑफिसर होगा उनका, तभी नहीं होगा, तभी नहीं पकड़ रहे। कॉमन सेंस कह रही है आपकी। बिल्कुल, कोई ऑफिसर होगा उनका इसलिए उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको तो पकड़ ही नहीं सकते। चलिए इनकी कॉमन सेंस कह रही है कि वो कोई ऑफिसर होगा या कोई बड़ा बंदा होगा तभी उसको नहीं रोक रहे।
पर हम तो कह रहे हैं कि ये जवाब नहीं है, चलते हैं कुछ और लोगों के पास। हाँ, एक लड़का, एक बस वाला है, वो रॉन्ग साइड पे जा रहा है, एक वन वे रोड है, उसमें रॉन्ग साइड पे जा रहा है, रास्ते में 10 जगह में नाके आते, कोई रोकता नहीं है उसको। क्यों नहीं रोकता? लगाओ थोड़ा दिमाग, लगाओ, आ जाएगा आंसर। बोलो सर कुछ। वन साइड यही आंसर है इसका, कि वो मतलब वन साइडेड वे है, तो उसमें कोई रॉन्ग साइड नहीं हो सकती ना, क्योंकि नाका होता है तो वन साइडेड वे पे ना रॉन्ग साइड से गाड़ियां चलती हैं आपके हिसाब से वन साइड में। हाँ, वन वे रोड पे जा रहा है और 10 वो नाके आते हैं, पर उसे कोई रोक नहीं रहा, कोई नहीं रोक रहा उसको। एक और बार रिपीट करो भैया। भैया दो बार रिपीट कर चुका हूँ, एक लास्ट वाली। एक बस वाला रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, वन वे रोड है, उसमें रॉन्ग साइड पे जा रहा है वो, रास्ते में 10 जगह में नाके आते हैं, कोई रोकता नहीं है उसको। क्यों नहीं रोकता? नहीं पता भैया। क्या बोल रहा हूँ? नहीं पता भैया। सर हो सकता है वो पुलिस की गाड़ी हो। पुलिस की कोई गाड़ी नहीं है भाई, बस वाला बोल रहा हूँ मैं आपको। आदमी की बस भी हो सकती है सर, उसको कोई नहीं रोकता सर। आदमी की बस को थोड़ा ना रोकते हैं आजकल। अच्छा, रॉन्ग साइड पे भी नहीं रोकते? नहीं सर। क्यों नहीं पता? कॉमन सेंस थी ना आप में तो। आप किसी और बस ट्राई कर लो। ट्राई तो हम कर लेंगे, आप में क्यों नहीं है कॉमन सेंस? मेरे में है कॉमन सेंस। यूज भी नहीं कर रहे आपको तो आपसे पहले से पता है, हमें थोड़ी ना पता है पहले से। रिश्वत दी होगी। किसको रिश्वत दी होगी? नाके वालों को, पुलिस वालों को। 10 जगह भी रिश्वत दे के आए। हाँ, अमीर होगा ना बड़ा। पता नहीं सर, आप ही बता दो फिर। मैं तो बता दूंगा, आपको नहीं पता चल रहा ना सर? मैंने क्या बोला था? बस वाला जा रहा है, बस नहीं जा रही। बस वाला जा रहा था, बस नहीं जा रही, बस नहीं जा रही थी। वही समझ आपको भी? जी सर। दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय लकड़ाता इवेंट। हमने कार्यक्रम के पहले भाग में लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि अगर एक बस वाला रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है और रास्ते में 10 जगह पर नाके लगे हैं, पर फिर भी उसको कोई नहीं रोक रहा, तो उसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं थी, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी थी, क्योंकि हमने बोला था कि बस वाला जा रहा है, बस लेकर बस वाला नहीं जा रहा है, सिर्फ बस वाला। अगर आम आदमी एक चल रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में, उसको कोई भी नहीं रोकेगा। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा सवाल लोगों से पूछेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है और हवा वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है, तो उसका धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं कितनी कॉमन सेंस है उनमें। नाम बता दे मैम अपना। जानवी। कॉमन सेंस है आपने? हाँ। किसने बता दिया? गर्ल्स में होती है। गर्ल्स में, बॉयज में नहीं होती? बॉयज में कम होती है, गर्ल्स में ज्यादा होती है। हाँ। किसने बताया आपको? रेशियो ज्यादा है गर्ल्स का। हाँ? रेशियो ज्यादा है गर्ल्स का। किस चीज में रेशियो ज्यादा है? कॉमन सेंस में, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन गर्ल्स ज्यादा है? दिमाग में। दिमाग में। हाँ। चलो कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आपसे। अच्छा बताइए, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इंग्लिश में बोलो ना। 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, साथ ही विंड चल रही है, हवा चल रही है, वो 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो नॉर्थ में जा रही थी ट्रेन, नॉर्थ में जा रही है ना, हवा हवा वेस्ट में जा रही है, तो उसका धुआं कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वेस्ट। किसने बताया? खुद सोचा। कॉमन सेंस। हाँ, वेस्ट में जाएगी। हाँ। नाम बता दे मैम अपना। मेरा नाम सुमन लता है। कॉमन सेंस आप में? कॉमन सेंस पता नहीं, अभी आपको ही पता होगा। मेरे को कैसे पता होगा, मैं तो आपको पहली बार मिल रहा हूँ। है थोड़ी बहुत है, बच्चे थोड़ी बहुत हैं। तो बच्चे वाले हैं, बच्चे कॉमन सेंस से बोलते हैं। क्या पता, अभी पढ़े लिखे थोड़े हैं। चलिए एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है, हवा जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है, तो उसका धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अच्छा, ट्रेन कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है? हाँ। तो हवा वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो उसका धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? नॉर्थ में जाएगा ना। क्यों मैम? क्योंकि हवा का रुख उस साइड को है, तो उधर ही जाएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा। हाँ जी, और किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। हवा जिधर को ले जाएगी धुआं।
हवा यहाँ पे लेके जाएगी, धुआं वहीं जाएगा। हाँ हाँ चलिए मैम, इनके हिसाब से हवा जहाँ लेके जाएगी धुआं वहीं जाएगा। बात करते हैं कुछ और लोगों से। नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। डेढ़ सौ और नॉर्थ, नॉर्थ सर, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और हवा जो चल रही है वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो धुआं उसका कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? साउथ में। साउथ में जाएगा क्योंकि ट्रेन आगे चलती है। पक्की बात है सर, कॉमन सेंस है गुजरात का। क्योंकि ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो हवा जो जाएगी वो साउथ में जाएगी, है ना? तो ये गुजरात का कॉमन सेंस। गुजरात का नहीं बोल सकते, फिर किसका बोल सकते? ये एक आदमी का हो सकता है। आदमी का कॉमन, आपके हिसाब से भी साउथ में जाएगी? मेरे हिसाब, मैंने जवाब ही कहाँ दिया है सर। जिस साइड पे हवा होगी वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है ना हवा, तो सर धुआं भी उसी साइड जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी जी। आपके हिसाब से सर? कॉमन सेंस तो है नहीं, है कॉमन सेंस ही है सर, वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स नॉट नॉन मेडिकल। कॉमन सेंस नहीं आती आपके? आपने इसमें कॉमन सेंस, अब पहले क्या मतलब 150 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ साइड पे धुआं और हवा चल रही है वेस्ट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर की रफ्तार से, तो धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? साउथ में। ट्रेन आगे चलती है मतलब हो सकता है धुआं साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, धुआं वेस्ट में नहीं जाएगा सर, नॉर्थ। कैसे बता आपको सर? ऐसे ही कैसे? कॉमन सेंस नहीं, ये कॉमन सेंस कहती है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। यस सर। अच्छी बात है, बताने आपकी बात। यस सर, आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा उसको। यस सर। ईस्ट, ईस्ट में जाएगा, पक्की बात है सर, मान जाए आपकी बात सर। आप बोल रहे हो साउथ में जाएगा, वो बोल रहे हैं ईस्ट में जाएगा, किसकी बात माने? आप जिसकी मानना चाहो, आपको मजा आए उसकी जिसको मजा आए। पर मेरे हिसाब से सर आप दोनों के जवाब गलत है। हो सकता है आपके हिसाब से? हो सकता है आपके हिसाब से? ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से इनके जवाब गलत है, पर इनके हिसाब से ठीक है। बात करते हैं छोड़ो, उसका धुआं वेस्ट में जाना चाहिए। पक्की बात है सर जी? कोई और डायरेक्शन में नहीं जाएगा? नहीं वेस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में जा रही है। साउथ की तरफ तो नहीं जाएगा क्योंकि ट्रेन आगे चलती है? नहीं वेस्ट में जाना चाहिए। पक्की बात है सर जी? ये आपको कॉमन सेंस कह रहा है? कॉमन सेंस कह रहा है। चलिए इनका कॉमन सेंस कह रहा है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छा आप कह रहे हो ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो नॉर्थ में धुआं जाएगा उसको? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा धुआं? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। आप क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में जाएगा धुआं? वेस्ट में। किसने बताया आपको? मेरे दिमाग ने। पक्का कॉमन सेंस है ना ये कि वेस्ट में धुआं जाएगा? पक्का। पक्की बात है? पक्का। चलो ये कह रहे हैं कि वेस्ट में जाएगा धुआं। दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाय लगदाता इवेंट्स। कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है और हवा वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है तो उसका धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। इसके पीछे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं छोड़ती ही नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं छोड़ती ही नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या साइंस लगा रहे थे, पर इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, सिर्फ आसान सा इसका जवाब है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं छोड़ती है। चलते कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे लोगों से। जी हाँ, टंग ट्विस्टर हमारा आज का जो है वो है पायरेट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। जी हाँ, लोगों को बोलेंगे पायरेट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलने के लिए 5 बार। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं कौन लोग हैं वो जो हमारा ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। नाम बता दो अपना। कफील। अच्छा एक आपसे मैं टंग ट्विस्टर बोलूंगा, बोल पाओगे? क्या टंग ट्विस्टर बोल पाओगे? मतलब पायरेट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलना है 5 बार आपने तेज। 5 बार? 5 बार। पायरेट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी गलत हो गया।
Pirates, private property. बोल दिया। कैसा लग रहा है बोल के? बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ये तो हमारे पहले विनर मिल चुके हैं हमें, जो कि जीत चुके हैं लगदाता इवेंट्स की तरफ से एक टिकट। Pirates, private property. बोल गए आप। फर्स्ट टर्म में। Pirates, private property. बोल दिया। Pirates, private property. नहीं बोल पा रहे कैमरे में, बोल दो मैं नहीं बोल पा रहा। Pirates, private property. बोल दिया। जीत गए। आइए चलते हैं उन लोगों के पास जिन लोगों ने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और जीत चुके हैं ये लोग लगदाता इवेंट की तरफ से एक एक टिकट। दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाई लगदाता इवेंट। अभी आपने देखा कि जो लकी विनर्स थे हमारे कंपटीशन के, उनको लगदाता इवेंट्स की तरफ से टिकट्स मिली हैं, जो यहीं पर एमए स्टेडियम में ही शो होने वाला है 27 दिसंबर को, उसकी टिकट्स उनको मिल चुकी हैं। अगर आप भी ये टिकट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि पूरे जम्मू में 200 काउंटर्स लगे हैं जहां पर जाकर आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये हमारा कॉमन सेंस प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा और आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी शुरू कर दी होगी। इस शो के रिलेटेड अगर आप हमें सजेशंस देना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे भी बता सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही लोकेशन अगर बताना चाहते हैं या शो के रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं हमें तो हमें व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन दीपक कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।